बात जो बहुत मुख्य है यहाँ पर, जो श्री प्रभुपाद जी ने जिस पर ये पूरी जो शास्त्र है वो टिका हुआ है, एक बहुत ही सुंदर सेंटेंस है श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, प्रोग्रेस इन डिवोशनल सर्विस इज डिपेंड्स ऑन योर एटीट्यूड। भक्ति में उन्नति आपकी मनोवृत्ति पर ही निर्भर करती है। भक्ति मार्ग में आप कोई भी सेवा कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वो कार्य महत्वपूर्ण नहीं है। चाहे कुछ भी कर रहे हो, आप मंदिर की सफाई कर रहे हो, आप आरती के बर्तन साफ कर रहे हो, आरती की बाती बना रहे हो, या फिर आप भगवान के लिए विग्रह के लिए ड्रेस बना रहे हो, या श्रृंगार कर रहे हो, या मंगल आरती कर रहे हो, या संध्या आरती कर रहे हो, वो कार्य इतना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण क्या है, उस समय जब आप ये कार्य कर रहे हो तो उस समय आपकी मनोवृत्ति क्या है, आपका एटीट्यूड क्या है, आप उस समय किस भाव से वो कार्य कर रहे हो। तो मनोवृत्ति केवल एक होनी चाहिए, कृष्ण भक्त आप जो भी कार्य करते हो उसमें यदि आपकी मनोवृत्ति वो नहीं होती है, क्या नहीं होती है कि मैं ये कार्य क्यों कर रहा हूं, बस एक इसके बदले में अगर माइनस का भी कोई और चीज होती है तो मन वो कार्य में आपको सक्सेस नहीं मिलने वाली है। अगर ये मेरा उद्देश्य है कि लोग मुझे देख के ऐसा बोलेंगे तो सारा फिजूल है, कुछ फायदा नहीं है। मतलब इसका ये नहीं कि आप अच्छे तरीके से नहीं करो, मतलब इसका क्या है, खाली भक्ति में दिखावा नहीं होना चाहिए। तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कार्य क्या है कि हमको सबसे पहले सफाई करनी है अपने हृदय की, मनोवृत्ति को चेंज करना है।